एपिसोड की शुरुआत चांदनी रात में एक मैंसन के सामने हमें खूबसूरत लड़की को दरवाजा खटखटाते हुए दिखाया जाता है, जो बोलती है कि बस मुझसे एक बार मिल लो। पर दरवाजा खुलते एक अजीब सी चीज उस पर अटैक करती है, जिससे वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता जो ग्रैंडपा की रिकॉर्डेड वीडियो बार बार देख रहा होता है। ग्वेन केविन के पास आती है और बोलती है, तो केविन बताओ मुझे डेट पर कब ले जा रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। जिस पर केविन बोलता है, ये तुमसे किसने कह दिया? और हां, लड़का डेट के लिए पूछता है, लड़की नहीं। तो जिस पर ग्वेन बोलती है, तो पूछो मुझसे डेट के लिए। जिस पर केविन बोलता है, ऐसे कौन पूछता है, कोई जबरदस्ती है क्या? ये सुनकर ग्वेन वहाँ से गुस्से से निकल जाते। तभी बेन केविन के पास आता और बोलता है, हमारा प्लम्बर बैच दूसरे प्लम्बर बैच की लोकेशन बताता, तो हो सकता है हमें उस जगह पर प्लम्बर या तो फिर उसका बच्चा ही मिल जाए। जिसके बाद सभी पास के प्लम्बर बैच की लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए ग्वेन बोलते है, पता है केविन, एक ही बात को बार बार बोलने से उसका इम्पोर्टेंट खत्म हो जाता है। ये बात डेट पे भी लागू होती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता जो मस्त टल्ली होके रोड पर घूम रही होती है, लेकिन ट्रक वाला उसे बचाने के चक्कर में फ्लाईओवर से लड़ जाता है, जिससे फ्लाईओवर टूटने लगता है, जिससे कई लोगों की जान खतरे में आ जाती है। पर ग्वेन सही समय पर आकर लोगों को रेस्क्यू करने लगती है। बेन ह्यूमंगस और बनकर पूरे फ्लाईओवर को थामे रखता है, लेकिन तभी वो नशे लड़की दूसरी रोड पर निकल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो माइकल मॉर्निंग स्टार होता है। उस नशे लड़की को लड़का पहचान लेता है, वो बोलता है, ट्रीना को बचाने का आप सबका शुक्रिया। बेन यहाँ पर उसके बेल्ट में लगे प्लम्बर्स पैच को देखकर बोलता है, क्या तुम भी एक प्लम्बर हो? जिस पर वो बोलता है, नहीं, मैं प्लम्बर का बेटा हूँ और ये मेरे डैड ने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे दिया है। बोलता, हम भी प्लम्बर्स है और ये मेरी टीम है। जिस पर वो बोलता है, क्या तुम बेन टेनिसन हो? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। पर वो जो ग्वेन से हाथ मिलाता तो एक स्पार्क जनरेट होता है, जिसे देखकर ग्वेन बोलते, शायद हमारी पावर्स के वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पर माइक बोलता, मुझे जाना होगा, ट्रीना को उसके घर छोड़ने के बाद हम मिल सकते हैं। पर ट्रीना के हाथ पे हमें एक अजीब सा साइन दिखाया जाता है। हमें स्टार्टिंग वाला घर दिखाया जाता है जो माइक का होता है। माइक बेन की टीम का वेलकम करता है एक्सेप्ट केविन। माइक बोलता है, मेरे पास मेरे डैड की ऑलमोस्ट एलियन टेक्नोलॉजी है, जिससे कि मैं चारों तरफ नजर रखता हूँ। ग्वेन बोलते, तब तो तुम अपने एरिया के हीरो हो गए। जिस पर माइक बोलता, अपनी तारीफ कैसे करूं? पर तभी लाइन में बेन आते हुए बोलता, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी चाहिए। जिस पर केविन बोलता, लेकिन हमें सोच लेना चाहिए। जिस पर बेन केविन से बोलता, उसके पास प्लम्बर्स बैच है और ग्रैंडपा ने हमें यही करने को कहा है। बेन बोलता, माइक, अगर तुम हमारी टीम में रहोगे तो तुम और लोगों की मदद कर पाओगे। माइक ग्वेन की तरफ देखकर हां कर देता है, लेकिन तभी लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है। माइक बोलता, यहां पर ये नॉर्मल है। जिस पर बेन बोलता, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लाइट का कंजम्पशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हमें पावर स्टेशन जाकर देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमें ग्वेन को दिखाया जाता है, उसके हाथ में भी वही मार्क होता है, जिसे ग्वेन छुपा लेती है। और वो लोग पावर स्टेशन पहुंचते हैं, तो पावर स्टेशन का दरवाजा खुला होता है, अंदर जाकर देखते हैं तो एक ज़ॉम्बी लड़की इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब कर रही होती है, जो उन्हें देखते ही उन पर अटैक कर देती है। लेकिन देखते ही देखते कई सारी और ज़ॉम्बी लड़कियां वहां पर आ जाती है। माइक बोलता, इन्होंने मेरे स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, तो प्लीज ये मेरी क्लासमेट्स हो सकती है, आप इन्हें नुकसान मत पहुंचाना। केविन बोलता, पर ये तो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिस पर बेन लाइट को चैनल करने वाला एलियन क्रोमास्टोन बन जाता है और उसी लड़की को ही शॉक दे देता है। फिर हमें ग्वेन को दिखाया जाता है, ग्वेन अपनी पावर का कमजोरी की वजह से अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती और बेहोश होने वाले होते। तभी वहाँ पर माइक पहुंचता, माइक पूछता, तुम ठीक तो हो? ग्वेन बोलती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। जिस पर माइक बोलता, मेरी पावर का इस्तेमाल करो, और वो एक साथ मिलकर पावर का इस्तेमाल करते हैं। पर माइक की गलतियों की वजह से वो ज़ॉम्बी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। केविन दौड़कर ग्वेन के पास आता और पूछता, तुम ठीक तो हो? जिस पर ग्वेन कोई जवाब नहीं देती। केविन के सामने ही माइक पूछता है, ग्वेन, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? ग्वेन भी हां कर देती है। ये देख केविन को गुस्सा आ जाता है। केविन बोलता, ग्वेन तुम्हें हो क्या गया? जब से आई हो खोई खोई हो, और अब ये डिनर शिनर? जिस पर ग्वेन बोलते, तुम्हें इससे क्या लेना देना? और ग्वेन मस्त मटकती हुई माइक के साथ वहां से निकल जाती है। उनके जाने पर केविन बोलता है, बेन, माइक अच्छा लड़का नहीं है। जिस पर बेन बोलता, सच बताओ, तुम जेलस हो ना? क्योंकि ग्वेन को माइक पसंद आ रहा है। जिस पर केविन बोलता है, सच बोलूं तो यही टाइम सही है। और वो माइक के घर पर पहुंचता है। बेन केविन से बोलता है, ऐसे जासूसी करना सही बात नहीं है। जिस पर केविन बोलता, तुम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तो उस पर नजर रखने दो। बेन केविन का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर केविन बोलता है, एक नए इंसान के लिए अभी से टीम में फूट डाल रहे हो। तभी वहां पे टीना आते, टीना बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है, वो डेस्परेटली माइक के बारे में पूछती है। तभी केविन की नजर उसके हाथ के मार्क पर जाती है, वो बेन से बोलता है, बेन, ऐसा ही मार्क मैंने उस ज़ॉम्बी लड़की के हाथ में भी देखा था। जिस पर बेन बोलता है, तो ये ज़ॉम्बी क्यों नहीं बनी? जिस पर केविन बोलता, हो सकता है कि इसमें वक्त लगता हो, और पता है बेन, आज ग्वेन ने अपने हाथ छुपा रखे थे। फिर हमें एक अनजान प्लेस में माइक को दिखाया जाता है, जो ग्वेन से बोलता, मैं पहली नजर में ही समझ गया था कि तुम में कुछ खास है। और ग्वेन बस माइक को मदहोशली देखी जा रही होती है। माइक बोलता है कि तुम्हारी सारी पावर सिर्फ मेरे लिए है ग्वेन, और उसे सोखना स्टार्ट कर देता।
देता है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है जो केविन से बोलता है, जब से हम यहाँ पे आए हैं माइक हमारी मदद ही कर रहा है। केविन बोलता है तुम मानो ना मानो पर सभी को वही जॉम्बी बना रहा है और ग्वेन इस समय खतरे में है। बेन बोलता अच्छा ठीक है लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे, जिस पर केविन बोलता है हमारा प्लम्बर्स बैच कब काम आएगा। जो वो दोनों बैच की मदद से वहाँ पर पहुँचते तो केविन बोलता है हमें ट्रीना उस साइड मिली थी ना जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जब बेन और केविन अंदर जाते तो वो देखते हैं कि माइक ने ग्वेन की पावर भी खींच कर उसे ज़ॉम्बी बना दिया है। माइक उन पर डायरेक्ट अटैक करते हुए बोलता है कि ग्वेन की सारी एनर्जी मेरी है। बेन तुरंत लड़ने के लिए जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन माइक उसे बहुत ही इजीली डिफीट कर देता है और साथ में केविन जब लड़ने आता तो उसे भी हरा देता है क्योंकि ग्वेन की पावर पाकर वो अनस्टॉपेबल हो चुका होता है। वो केविन को कुत्तों की तरह हराता है और बस दोनों को मारने ही वाला होता है। माइक अपना हाथ जब उन्हें मारने के लिए उठाता है तो ग्वेन जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ी होकर माइक ने जो उसकी पावर खींची होती है उसे रिवर्स करने लगती है। यहाँ पर ग्वेन अपनी पूरी पावर पाते ही ठीक हो जाती है और वो तुरंत केविन के पास जाती है। माइक अपनी गर्ल्स को कहता है कि मुझे पावर दो लेकिन रही सही पावर भी वो ज़ॉम्बी लड़कियां उसे चूस लेती है जिससे माइक की हालत और भी खराब हो जाती है। माइक के पास केविन आता है और उसका प्लम्बर्स बैच तोड़ते हुए बोलता है तुम इसके लायक नहीं हो। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में बेन बोलता है मैं टीम बनाने की जल्दीबाजी में खतरों के बारे में तो सोचना भूल ही गया था, ग्वेन मुझे माफ कर दो। जिस पर ग्वेन कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिस पर बेन केविन से बोलता है तो केविन ग्वेन को डेट पर कब लेके जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगे जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।